दोस्तों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे। हम इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है फोर्स, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ हम लोग इसमें देखेंगे दो तरह का मोशन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरे का को बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल का मतलब होता है, उसको हम लोग लीनियर भी बोलते हैं, कि जब कोई बॉडी, जो रिजिड बॉडी है, यदि हम लोग उसको फ्री चल रहा है और उस पर यदि कोई फोर्स लगा देते हैं हम लोग, तो वो स्ट्रेट पाथ में यदि वो चलता है, स्ट्रेट लाइन में यदि चलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में है। और दूसरा हो गया रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या है कि वो जैसे मान लीजिए कि ये कोई यहां पर है ये, और कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसको यहां पे ये इसको किया हुआ है, पाइवोटेड है, ये पाइवोटेड है, और इस पे हम लोग यहां पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इसको फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये यहाँ पे पाइवोटेड है तो ये चलेगा ऐसे, ऐसे गोले गोले घूमेगा ये, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या क्या मोशन है इसका, रोटेटरी मोशन है या रोटेशनल मोशन है, ठीक है। इस मोशन को बोलेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे अभी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड चीज ही, जिसमें हम लोग को सारा चीज क्लियर होते चलेगा। हम लोग यहां पर अब देखें, ये हो गया हम लोग का टर्निंग इफेक्ट, कि जब हम लोग इसको घुमाएंगे, हम लोग यहाँ फोर्स लगाएंगे, ये पाइवोटेड होगा, ये ऐसे घूमेगा, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क भी। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में ही, कि जैसे मान लीजिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हो गया। देखिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यही है, ये पाइवोटेड हो गया, ये इसका एक्सिस है, इसके अलोंग हम लोग ये परपेंडिकुलर हम लोग ये फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, ये फोर्स जो लग रहा है बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यही एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं हम लोग, इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट जो हो रहा है, ये जो बॉडी जो मूव कर रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण हो रहा है। और इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या हो गया, ये हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है टर्निंग बॉडी को, तो दो ठो है हम लोग यहां पर देखे। एक तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा हो गया डिस्टेंस। तो पहला वाला पार्ट हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स।
सेकेंड हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है? जैसे ये हो गया मेरा ये फोर्स, कितना फोर्स लगाया तो इसका मैग्नीट्यूड। दूसरा यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो चीज हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स ये होगा क्या, जो यहां पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक है, ये जिसको हम लोग टॉर्क भी बोल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है या टॉर्क ये किसके बराबर होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ये फोर्स लगा दिए है ना, यहाँ पे ये फोर्स लगा है और ये पाइवोटेड है यहाँ पे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहां हम लोग देखेंगे कि ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों चीज सेम है, इसी को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। तो टॉर्क जो है या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एसआई यूनिट, तो फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है मीटर, मतलब न्यूटन मीटर ठीक है, ये न्यूटन मीटर हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं आगे। अब यहां हम लोग देखेंगे जब ये घूमेगा तो इसमें दो तरह का, एक घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे ऐसे फोर्स लगा दिए, तो जब ये फोर्स लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा ये, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। और एक मान लीजिए कि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि इफ द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, एकदम इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ द टर्निंग इफेक्ट इफ द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है इसको ध्यान रखेंगे। ये जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मोमेंट ठीक है, तो मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज, ये भी हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट इज टेकन पॉजिटिव, ठीक हो गया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग देखेंगे ये पॉजिटिव होगा, और जब सेम चीज जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज होगा तो इसका निगेटिव, इसको हम लोग को ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज होगा तो, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग दरवाजा खोलते हैं ठीक है,
ये जो टॉर्क है ये सेम चीज है। मान लीजिए कि ये दरवाजा का इसमें हिंज है ये, ठीक है, यहाँ हिंज है, यहाँ हिंज है, और ये दरवाजा ऐसे लगा हुआ है। हम लोग जब भी फोर्स लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, ये हो गया इसका एक्सिस, पाइवोटेड हो गया ये, ठीक है, और हम लोग यहां पे हम लोग ऐसे पकड़ के फोर्स लगा के इसको ढकेलते हैं, इस जगह पे फोर्स लगाते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे दो चीज हुआ, एक जब हम लोग इधर ढकेल रहे हैं ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये यहां पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगेगा, ये जस्ट ऐसे लगेगा। हम लोग और देखेंगे, ये मान लीजिए कि मेरा ये स्टेयरिंग है, हम एक हाथ से इधर फोर्स लगाते हैं और एक इधर फोर्स लगाते हैं, है ना, तब ये जाकर के मूव करता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम लोग उस उसको जब हम लोग मूव कराते हैं, तो यदि हम लोग जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। हम लोग इसको देख ले ऐसे, फोर्स को यदि हमको यदि कम करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स को बढ़ाना पड़ जाएगा, और डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ऐसे डिस्टेंस को यदि हम लोग इंक्रीज करा देते हैं, मतलब ग्रेटर देन करते हैं, तो मेरा फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और यदि डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे चापा नल हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग चापा कल जब चलाएंगे हम लोग, तो उसका हैंडल यदि हम लोग किनारे पकड़ के चलाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को फोर्स कम लगेगा, और हम लोग जहां पे वो टाइट किया हुआ है वहां हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग का फोर्स ज्यादा लगेगा और हम लोग से वो नल चलेगा भी नहीं। जैसे मान लीजिए हम यदि फोर्स यहीं पे पकड़ के लगा दें, यहां पे लगाएंगे, ये नहीं चलेगा, घूमेगा ही नहीं। तो यहां पर हम लोग एक देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब जीरो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा, तो यहां पर हम लोग देखें कि इसका तीन केस होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स जब जीरो होगा तो कब कब होगा, इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको जीरो कर दें हम लोग, और थर्ड हो जाएगा जब फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट, फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट, हम लोग इसको देख लें। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हो गया, यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं ये एफ को हम लोग जीरो कर देंगे, तो एफ इंटू डी होता है, दोनों में से एफ या डी दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, एफ या तो जीरो या तो डी या तो जीरो, तो पहला केस में फोर्स को जीरो कर दिए, दूसरा केस में फोर्स को बढ़ा देंगे, डी को जीरो कर देंगे, मतलब डिस्टेंस यहीं पे रख देंगे पाइवोटेड के पास। इसके बाद तीसरा केस हो गया जब हम लोग फोर्स को ऐसे लगा दें, ये ऐसे फोर्स ना लगा करके इसके फोर्स को हम लोग ऐसे लगा देंगे इसके जस्ट पैरेलल, है ना, मतलब उसी पे लगा रहे हैं, तो फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट से जब होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो, मतलब तीन केस हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग के पास है ये कपल, हम लोग देखेंगे, अभी हम स्टीयरिंग का बात किए थे तो वहां हम लोग देखे क्या कि जब इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो दो ठो फोर्स लगता है, एक इधर एक नीचे, तो जब पेयर में लगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कपल, ठीक है। सिंगल फोर्स किसी पाइवोटेड बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता है, सिंगल फोर्स लगाएंगे तो ये पाइवोटेड बॉडी जो कि है वो मूव नहीं करेगा। जैसे हम लोग इसी को देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, यदि इधर फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है।
तो सिंगल फोर्स किसी पाइवोटेड बॉडी को रोटेट नहीं करा सकता है, टर्निंग हमेशा पेयर ऑफ फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। जो टर्निंग है, जैसे हम लोग इसी को घुमाएंगे हम लोग, तो ये इसका जो घूमेगा ये कब होगा, पेयर ऑफ फोर्स के कारण होगा, था ना, ये मूव करेगा, ये एक वो इधर से चलाएंगे हम लोग, एक वो इधर से चलाएंगे, तो ये मूव करेगा, और नहीं तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, यदि ये बेसी हो जाएगा ये कम हो जाएगा, ये वाला को फोर्स को बेसी कर दें, ये वाला फोर्स को कम कर देंगे तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, इसलिए दोनों ओर का जो फोर्स होगा ना वो इक्वल होगा, लेकिन फोर्स जो है वो अपोजिट होगा, फोर्स अपोजिट और इक्वल भी होगा, दोनों होगा। फोर्स जो है यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे हम लोग, ये अपोजिट होगा और इक्वल होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स किस क्या होता है। जैसे यहां पे हम लोग लगाए ना, इस पे ये वाला मामला पे हम लोग जो लगाए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो यहाँ पाइवोटेड तो यहाँ होगा, ये ऐसे लगेगा, ये मतलब कि ये डायरेक्शन हो गया हम लोग का ऐसे, यहां पर ये लगा हुआ है, यहाँ एफ ठीक है, और ये बड़ा डिस्टेंस मान लीजिए कि यहां से यहां है D1 और यहां से यहां है D2, तो हम लोग लिखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ कपल, टोटल मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू F1 × D1 प्लस F2 × D2, यही है। F को हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 + D2, मतलब फोर्स है ना, और ये दोनों जो डिस्टेंस हुआ, ये दोनों डिस्टेंस के सम के मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा हम लोग का टोटल मोमेंट ऑफ कपल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम, जैसे हम लोग इस पे नंबर ऑफ फोर्स, बहुत सारा फोर्स हम लोग लगा दें कोई भी बॉडी पे और उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जैसे हम लोग इसी को मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी लगा रहे हैं फोर्स, इधर से भी लगा रहे हैं फोर्स, दोनों डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, तो हम बोले कि नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इधर से भी लगा दिए, उधर से भी लगा दिए, तो ये क्या होगा, ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा, ये जस का तस ये बराबर पे रहेगा ये, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये भी एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये क्या होता है, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होगा, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है, इतना ही पे हम लोग को क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। अब हम लोग, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग इसको इतना पे छोड़ते हैं। अब इस चैप्टर का बचेगा मेरे पास न्यूमेरिकल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग को यदि ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा,
अरे ये नहीं समझ में आया तब भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको पहले हम बनाने से पहले आपको समझा देंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे जो बच्चे जो अभी लॉकडाउन में अपने घर पे हैं उनको भी आगे सुविधा मिल सके कि वो पढ़ ले। थैंक यू।